एंड हायर एजुकेशन सिंप्लीफाइड आज आ चुका है महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोहिणी में। तो आइए यहाँ के बच्चों से और जिन्होंने इधर पेपर दिया है उनसे जानते हैं यहाँ के एग्जामिनेशन के हाल और कैसा वो फील करते हैं अबाउट द रिजुविनेटेड ऑफलाइन एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ आईपीयू। सो आप कौन से कॉलेज से हैं? मैं विवेकानंद विप्स शॉर्ट फॉर्म कॉलेज की। एंड ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये हैदरपुर के सामने, पीतमपुरा हैदरपुर के सामने। अच्छा, आपके क्या व्यूज है ऑफलाइन या ऑनलाइन एग्जामिनेशन में से क्या बेटर है एंड इफ ऑफलाइन देन व्हाई एंड ऑनलाइन देन व्हाई? ऑफलाइन एग्जाम से बेटर है क्योंकि ऑनलाइन में तो सबको पता है कि बंदा चीटिंग करता है और अपने उससे लॉयल नहीं रह सकता, ठीक है, और उससे ना नॉलेज भी इतनी गेन नहीं होती। इधर ऑफलाइन में प्रेशर रहता है कि पास होना पड़ेगा, खुद सब कुछ करना पड़ेगा, तो इसीलिए बच्चे पढ़ के आते हैं और उनकी नॉलेज भी डेवलप होती है, तो मेरे हिसाब से तो ऑफलाइन बेटर है। जो आज का पेपर था क्या वो इजी था और चीटिंग हुई? चीटिंग तो नहीं हुई और पेपर भी इजी नहीं था, बट हाँ जो पढ़ के आया था उसके लिए तो सब इजी है। आपके क्या सजेशन है अपने कॉलेज के बारे में जो कि उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए, किन सेक्टर्स में वो इम्प्रूव कर सकते हैं? वैसे जैसे हमें एग्जाम्स के बारे में काफी लेट पता चला, लेकिन बाद में तो उन्होंने ये चीज सही करी कि एग्जाम एक्सटेंड कर दिया आगे, वरना जैसे एडमिशन जैसे ही हुआ वैसे ही फौरन ही एग्जाम आ गए बच्चों के लिए, तो काफी बच्चों को काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन फिर हमारे एग्जाम एक्सटेंड कर दिए गए जो कि सही चीज थी। और बस वही टीचर ने भी मतलब थोड़े अगर टीचर स्टार्टिंग से हेल्प कर दे तो सही था, लेकिन जो हमें नोट्स वगैरह मिले वो थोड़े लेट मिले, तो वो एक चीज है जो सही हो सकती है। कोई डेट शीट या सिलेबस से कोई शिकायत? एकदम स्पॉट 3 के बच्चों का एडमिशन चल ही रहा था उत्ते में ये हो गया, पेपर हो गए, तो जो अभी नया नया आया वो क्या ही करेगा, तो फिर उनके साथ बुरा होगा। हम तो स्टार्टिंग से थे। पेपर लेंदी आ रहे हैं? हाँ लेंदी तो आ रहे हैं। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल डेट शीट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके क्या व्यूज है, कैसी बनी है डेट शीट, क्या कोई दिक्कत है आप लोगों को? डेट शीट तो ठीक है, पर हमारे एडमिशन अभी हुआ है तो कम तैयारी हो पाई हमारी। तो हमारे अकाउंट्स का पेपर पूरा थ्योरी आया हुआ था, पूरा थ्योरी, सिर्फ 2 क्वेश्चंस थे अकाउंट्स। सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो गया था? नहीं कुछ भी नहीं हुआ था, हम लेट आए थे, 10 दिन पहले आए, हमारा सीयूटी के थ्रू एडमिशन हुआ था। अकॉर्डिंग टू मी डेट शीट इज आल्सो नॉट गुड। डेट शीट में एटलीस्ट थोड़े दिन का छुट्टी मिलनी चाहिए, लाइक सीयूटी बेसिस पे अभी एडमिशन हुआ है, या तो आईपी को लेना नहीं चाहिए था एडमिशन, अब आईपी ने लिया भी 10 दिन पहले एडमिशन हो रहा है, फिर डेट शीट में भी 1 दिन की छुट्टी, एक किसी किसी एग्जाम में 1 दिन की भी छुट्टी नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो कौन से कॉलेज से है? विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। आप सारे वहीं से? सो चीटिंग हो पा रही है, लाइक इन्विजिलेशन कैसी है? चीटिंग बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं हो रही है। आई थी आज कौन है अभी? फ्लाइंग चेकिंग। सो जैसे कि आप सब विप से है, तो उस पे आपके क्या व्यूज है, कुछ गुड एंड बैड चीजें या फिर कोई भी चीज जो आपको अच्छी लगी हो, पेक्यूलियर हो किसी अलग कॉलेज? फैकल्टी बहुत अच्छी है कॉलेज की, मतलब फैकल्टी अच्छी है एंड सपोर्टिव है, मतलब पर क्लासेस वगैरह यूनिवर्सिटी की साइड से कम हुई है। हाँ फैकल्टी अच्छी है हमारी कॉलेज की, एरिया अच्छा है, हर चीज अच्छी है, सपोर्टिव है टीचर्स। पेपर आ कैसे रहे, लाइक आर दे लेंथी एंड डिफिकल्ट या फिर इजी एंड शॉर्ट? एग्जाम्स आर टोटली डिफिकल्ट। इन मैथमेटिक्स एग्जाम इट्स जस्ट लाइक द इकोनॉमिक्स पेपर। क्वांटिटेटिव टेक्निक का आज पेपर था जिसमें कि हमारा सिलेबस इज अराउंड कि 12th का मैथमेटिक्स था, तो मैथमेटिक्स के अराउंड तो मैथ्स का ही पेपर आना चाहिए। इट्स टोटली इकोनॉमिक्स पेपर कि उसमें डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम ओलिगोपोली सब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था, जो कि देना इट्स टोटली इम्पॉसिबल। और यूनिवर्सिटी ने अभी अभी कुछ बताया लाइक ईयर बैक का भी कुछ, दैट्स नॉट गुड कि एडमिशन अभी अभी हुआ और उसके बाद इतना अमाउंट पे करने के बाद भी हमारा ईयर बैक आए, और इतना टाइम वेट करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी छोड़ के यहाँ पे बच्चे आए हैं, तो एटलीस्ट बच्चों का करियर ही बर्बाद हो रहा है यहाँ पे। इनफैक्ट मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी छोड़ के आया आईपी में, टोटली बैड एक्सपीरियंस विद आईपी यूनिवर्सिटी। आप दोनों कौन से कॉलेज से? मैं एचएमआर कॉलेज से हूँ। एचएमआर कॉलेज से। आज किस चीज का एग्जाम था आप दोनों का? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का एग्जाम था। एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में क्या कहना चाहेंगे, ऑफलाइन ज्यादा बेटर है या ऑनलाइन बेटर है? ऑनलाइन तो मच बेटर ही है ऑफलाइन से तो, बट क्यों? वही है कि उसमें ऑब्जेक्टिव
एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो इस वजह से वो ज्यादा बेस्ट रहता है। बस बेसिकली पेपर लॉन्ग हो जाता है ना इसमें करने में, तो टाइम कंज्यूम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इस वजह से। थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए ऑफलाइन जरूरी है, ऑफलाइन ऑफलाइन जरूरी है या ऑनलाइन थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए? ऑफलाइन ही जरूरी है, क्योंकि जब तीन घंटे का एग्जाम होता है तो उससे हमें नॉलेज मिलती है, प्लस उससे हम परफेक्ट नॉलेज मिलती है हमें सब्जेक्ट की। बट एमसीक्यू उसमें क्या, डेढ़ घंटे का होता है तो उससे हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाती है, तो थ्योरी एग्जाम इज बेस्ट फॉर आवर नॉलेज। कोई सजेशन देना चाहेंगे आप अपनी कॉलेज अथॉरिटीज को कि उन्हें कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए, जैसे आपने बताया HMR कॉलेज के? कॉलेज अथॉरिटी को तो नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, सही है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको कोई सजेशन? सेम, थैंक यू। ये सेंटर आपके घर से कितना दूर था, कोई डिफिकल्टी हुई आने जाने में या फिर एनी चैलेंजेस दैट यू फेस्ड? नो चैलेंजेस फेस, अराउंड 19 किलोमीटर दूर था मेरे घर से, और बाकी यहाँ की फैसिलिटीज वगैरह, लोकेलिटी भी सही है, मेट्रो वगैरह अवेलेबल है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही था सेंटर, सही था। डेट चीज अच्छी तो नहीं है? पहले ठीक थी, अभी जो चेंजेस हुए ना गेट की वजह से उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो छुट्टियां कम हो गई एक तो, और हार्ड एग्जाम के पहले एक छुट्टी हो गई उस वजह से। आप लोग कौन से कॉलेज है? रुक्मणी देवी। सेम। आज एग्जाम किस चीज का था और इजी था या टफ था? मार्केटिंग मैनेजमेंट का था, मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट एग्जाम था, कोई ज्यादा टफ भी नहीं था, हो गया ऐसे जैसे पास है। लेंदी था? लेंदी एग्जाम लेंदी था, एंड तक चला, लेकिन इजी था, सब आता था, बहुत ही बढ़िया एग्जाम था, अच्छा था। इन्विजिलेटर्स कैसे, स्ट्रिक्ट है? इन्विजिलेटर अच्छे हैं, मतलब बहुत ही हेल्पिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, और मतलब अच्छा माहौल था एग्जाम का बहुत ही। जैसे हमने इस बार देखा कि डेट शीट एंड मोमेंट पे बदली है, तो आपको कुछ कहना है इस पे कि मतलब डेट शीट पहले आ जानी चाहिए या कोई सजेशन IPO को देना चाहेंगे आप? हाँ, मतलब एंड में जैसे डेट शीट बदली तो एक सिस्टमैटिक वे से इनका वो नहीं आ पाया, प्रिपरेटरी जो लीव्स आती है, किसी में एक छुट्टी मिल रही है, किसी में पांच मिल रही है, तो वो कोई तरीका नहीं लगा, तो वो थोड़ा डिसबैलेंस हो गया, पढ़ाई हो नहीं पाई, पांच दिन की छुट्टी ज्यादा हो गई, एक दिन की छुट्टी कम हो गई, तो वो पूरा शेड्यूल खराब हो गया। आप दोनों किस कॉलेज से? गीता रतन इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल। आज का एग्जाम कैसा था? टफ था पर अच्छा था। जैसे महाराजा अग्रसेन जो आपको सेंटर पढ़ा है, क्या वो आपके घर से कम्यूट करना इजी है या टफ है, या कोई डिफिकल्टी फेस हो रही है? डिफिकल्टी फेस तो है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफी ज्यादा दूर पड़ जाता है, पूरा हरियाणा बॉर्डर पड़ता है ये, तो दूर तो पड़ता ही है। आपको दूर पड़ता है, 1.5 hours लगता है, तो कम्युनिकेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। So, जैसे कि जो सिलेबस था वो 3 months शॉर्ट और बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया, तो आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करने में कोई भी डिफिकल्टी फेस हुई? नहीं, इतनी तो डिफिकल्टी फेस नहीं हुई। सो विच कॉलेज आर यू बाय फ्रॉम? HMR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। सेम, HMR। आज किस चीज का पेपर था? आज हमारा ADBMS का पेपर था, एडवांस डेटाबेस का पेपर था आज हमारा। So, जो आपका कॉलेज है HMR, उसके ऊपर आपके क्या व्यूज है? एनी सजेशन दैट यू वुड लाइक टू गिव टू देम, या फिर कोई चीज जो कि आप हाईलाइट करना चाहते हैं अपने कॉलेज के बारे में? हमारे कॉलेज की सबसे जो मेन हाईलाइटेड चीज ये होनी चाहिए कि हमारे कॉलेज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पढ़ाई को लेके, वो बहुत एडवांस है। हमको टीचर जितना सपोर्ट करते हैं हमारी अकेडमिक्स को लेके, मैंने इतना कहीं देखा नहीं सही बोलूं तो, और हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है हमारे टीचर्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, और स्पेशली प्लेसमेंट्स की गाइडेंस के लिए हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हमारी बहुत मदद करते हैं। अगर कहीं नेगेटिव देखा जाए तो मुझे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में लगता है कि हमारे कॉलेज थोड़ा पीछे रह जाता है, ग्राउंड नहीं है ज्यादा इतना बड़ा, और ना इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पर हम अपने कॉलेज को ज्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सके, तो यही कहीं नेगेटिव फीडबैक्स मैं इन पर देना चाहता हूँ। एनी सजेशन जो कि महाराजा अग्रसेन के लिए है जो आप देना चाहें एज अ सेंटर? देखो ये कॉलेज तो सबको पता है IPO का सबसे बड़े कॉलेज में से एक है, और देखा जाए तो महाराजा अग्रसेन की प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी रही हैं, अगर उनके हम ट्रेंड्स देखें कॉलेज हम प्लेसमेंट्स के तो बहुत अच्छे रहे हैं, तो इनके लिए तो कोई फीडबैक नहीं रहेगा, पर अच्छा है, ऑल दी बेस्ट है यहाँ के बच्चों के लिए भी, क्योंकि हम सब एक साथ में कॉम्पिटिशन में है जी। सो ये थे स्टूडेंट के व्यूज जो MAIT में अपना एग्जाम देने आए थे, और हमने इनके सारे सजेशंस को देखा, मद्देनजर रखते हुए हम आप तक पहुंचा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम के थ्रू, और ऐसी ही अच्छी वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।